नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है मकर लग्न के जातक। तो इन जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इस कुंडली के अंदर राजयोग कौन कौन से देखे गए हैं, अगर राजयोग नहीं है तो बीज मंत्र और रत्न और उपाय इनके माध्यम से मैं आपको सब सुख सुविधा की प्राप्ति करने के साधन बताऊंगा। शुभ रंग कौन से हैं, शुभ दिन कौन कौन से हैं, कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है पहले स्थान के अंदर तो ये मकर लग्न के जातकों की कुंडली हुई, और इनके जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। तो शनि का प्रभाव ऐसे जातकों के अंदर देखा जाएगा। ये क्या होगा, कैसा देखा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे जातकों का 36 साल के बाद ही सब सुख सुविधा की प्राप्ति होती है, ये बिल्कुल डेफिनेट है। और दूसरा क्या है कि इनको सब सुख सुविधा की प्राप्ति तभी होगी तब इनके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि शनि जो है कर्म के और न्याय के और ज्ञान के कारक माने जाते हैं। सब सुख सुविधा जो मैं आपको उपाय बताऊंगा तभी आपके ये अच्छे होंगे अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि दूसरी राशि के मुकाबले जो मकर की जो राशि शनि जो होते हैं वो कर्म से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जिंदगी के अंदर आपको सब सुख सुविधा की प्राप्ति आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो ये आपको ध्यान से ध्यान ध्यान देना है इस चीज पे। तो देख लेते हैं कुंडली के अंदर कौन कौन से राजयोग बने। अगर पहले भाव के अंदर यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपको पहले आप देख लीजिए कारक और मारक ग्रह। तो कुंडली के अंदर शनि शुक्र बुध और मंगल कारक बनेंगे, गुरु और चंद्र और सूर्य मारक बनेंगे, क्योंकि लग्नेश खुद शनि है और दूसरी राशि धन भाव की मिली तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार जो चौथी भाव है इसमें मंगल बैठे हैं जो सुख सुविधा प्राप्ति होंगी, मेष राशि है यहाँ पे तो मंगल भी बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। शुक्र को मिली है 2 राशि, एक त्रिकोण की पंचमेश इष्ट देव की जो राशि होती है संतान भाव से मानते हैं वृषभ राशि, और जो 10वीं राशि की 10वीं भाव के अंदर बैठी है उनकी 7वीं राशि तुला राशि जो कि कर्म और प्रोफेशन का भाव है। तो शुक्र को केंद्र और त्रिकोण की के मालिक होके शुक्र इस कुंडली के अंदर सबसे अच्छे कारक ग्रह में माने जाएंगे और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार जो बुध है उनकी कन्या राशि बैठी है भाग्य स्थान पे, बुध इसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार जो बृहस्पति है वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे क्योंकि एक राशि बैठी है परिश्रम भाव में, जो धन मीन जो राशि है धनु बैठी है यहाँ पे 12वें भाव में जो कि जेल यात्रा का और एक्स्ट्रा खर्चा का भाव देखा जाता है, और लग्नेश के दुश्मनी दुश्मन भी है बृहस्पति, तो बृहस्पति बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसी प्रकार अष्टम द्वादश थोरी के अकॉर्डिंग अगर शत्रु राशि 7वें भाव में बैठ जाए जो कि कर्क राशि है, चंद्रमा लग्नेश के दुश्मन भी है तो चंद्रमा भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ये मरुत्य तुल्य कष्ट का भाव है, यहाँ पे सिंह राशि है जिनके स्वामी सूर्य होते हैं तो सूर्य भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये आपके कारक बने शनि शुक्र बुध और मंगल, और मारक बने गुरु चंद्र सूर्य, सम मंगल हुए सम, इनका प्लेसमेंट देखना जरूरी होगा। तो महादशा और दशा के अंदर कारक जो ग्रह हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और जो मारक है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये मैंने आपको बताई। तो राजयोग देख लेते हैं, अगर मंगल खुद 10वीं राशि में बैठे हैं तो ऊंच के हो जाएंगे, रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। जिंदगी के अंदर आप सब सुविधा अपनी मेहनत से इतना पैसा कमाएंगे कि आपको सब सुख सुविधा की प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ अगर शनि बैठ गए 10वीं राशि के अंदर तो यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, आप जिंदगी के अंदर धीरे धीरे प्रगति करेंगे और 36 साल की उम्र तक सब कुछ प्राप्ति कर लेंगे। अगर चौथे भाव में एक राशि और उसमें मंगल बैठ जाए अपने खुद की राशि में मेष राशि में तो आप यहाँ पे भी रुचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, आप जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति करेंगे, और ऐसे जातकों की भूमि यानी प्लॉट काफी देखे गए हैं। आगे चलते हैं 10वें भाव के अंदर 7वीं राशि तुला, इसमें शुक्र बैठ जाए तो माल्यवे नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। आप जिंदगी के अंदर अपने व्यवसाय के अंदर अपनी नौकरी के अंदर उसके माध्यम से आप जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा की प्राप्ति करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखिए आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से कारक और मारक ग्रह मैंने बता दिए। अब अगर आपको राजयोग नहीं बन रहे तो मैं आपको बीज मंत्र और रत्न के माध्यम से कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि आप जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए आप लग्नेश को मजबूत करिए, इष्ट देव को मजबूत करिए और साथ साथ अपने भाग्येश को मजबूत करिए। तो इष्ट देव के लिए आप क्या करिए, एक तो या तो आप बीज मंत्र कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ओम सम शनि चराय का, ओम सम शनि चराय नमः का 108 बार और 8 महीने तक जाप कर लीजिए, आपको जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लग्नेश आपके मजबूत हो जाएंगे। या फिर आप नीलम धारण कर लीजिए इस उंगली के अंदर, या फिर सम आप शनि चालीसा पढ़ लीजिएगा तो इससे आपके लग्नेश अच्छे हो जाएंगे। और आप अपने पंचमेश यानी इष्ट देव के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप पोपल धारण कर सकते हैं या आप बीज मंत्र पढ़ सकते हैं ओम सोम शुक्राय नमः, तो आपके इष्ट देव प्रबल हो जाएंगे। इसी प्रकार भाग्येश के लिए क्या करना है आपको, भाग्येश के लिए करना है आपको या तो तुलसा में जल दीजिए बुधवार के दिन, या फिर पन्ना पहन लीजिए, या फिर बीज मंत्र कर लीजिए ओम सोम
ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः। करीब करीब आप ये 3 महीने कर लीजिए, 108 बार डेली करिएगा। तो इस टाइम अगर आपने 3 चीजें कर ली और कम से कम एक चीज कर ली किसी एक के लिए, या तो बीज मंत्र या रतन या फिर उपाय, तो डेफिनेटली अगर आपके भाग्येश इष्ट देव और आपके भाग्येश और आपके इष्ट देव और आपके लग्नेश अगर इस कुंडली के अंदर खुश हो गया, तो डेफिनेटली आपको जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा मिलेगी और आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तो ये मैंने बताया, रतन आप पहन सकते हैं, ओपल, पन्ना और उसके साथ साथ नीलम। आपके शुभ रंग कौन कौन से हैं? तो शुभ रंग है आपका हरा, नीला, काला और सफेद शुभ रंग। और शुभ दिन आपको कोई भी जिंदगी के अंदर काम करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बुधवार, शनिवार, शुक्रवार को करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बताया मैंने आपको कौन कौन से इस कुंडली के अंदर अच्छे अच्छे रंग हैं, अच्छे दिन हैं, और कौन से कारक मारक ग्रह हैं, स्वभाव कैसा होता है, और राजयोग अगर नहीं है तो कैसे आप उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। तो दोस्तों इस मेरी जो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मकर लग्न के जो लोग हैं ये भी इसे देख पाए, और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।